हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्ज़ाम का माहौल चल ही रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट मेंस को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस के लिए भी, और अभी जैसे IBPS PO, SBI PO बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम हैं, SBI क्लर्क मेंस का है। रीजनिंग में अगर बात की जाए तो पजल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहता है, और ये जनरली एक सवाल आता है कि पजल में स्पीड कैसे बनाएं, पजल में स्पीड कैसे बनाएं। देखो, ये एक दिन का काम नहीं है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पजल में स्पीड बना लोगे, 2 दिन का काम नहीं है, राइट। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप समझकर इम्प्रूव कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो। और पजल करना ही होगा क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग में, बैंकिंग एग्जाम में। पजल्स में जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं। अब सबसे ज़रूरी होता है उसका रीडिंग, रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीजनिंग के सेंटेंसेस के बारे में जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको डेवलप करनी है। स्पीड भी, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, एक्यूरेसी मैटर करता है, स्पीड भी मैटर करता है। सवाल आता है कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इम्प्रूव करें। पढ़ते भी हैं हम, पढ़ाते भी हैं, फिर भी ये रहता है कि भाई सवाल रहता ही है, नए स्टूडेंट्स भी होते हैं, पुराने स्टूडेंट भी, कि और स्पीड, और अच्छी स्पीड हो जाए, और अच्छी स्पीड हो जाए। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे मेन चीज़ मैंने बताया, रीडिंग बहुत मैटर करता है। ऐसा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना पजल पढ़े ही आपका सॉल्यूशन आ जाए। तो ऐसा एक तरीका है कि पहले से पता है कि ये पजल आएगी और आप उसका सॉल्यूशन याद करके जाएं, ऐसा हो जाए, तो ऐसा ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सबसे अच्छा सजेशन जो मुझे लगता है कि डेली जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी बुक से, टेस्ट सीरीज से, PDF से, क्लास से, जिससे भी आप करते हैं, डेली कम से कम एटलीस्ट आप 5 पजल की प्रैक्टिस करें, जिसमें 3 प्रीलिम्स की पजल्स हों और 2 मेंस की हों। बट प्रैक्टिस कैसे, ऐसा नहीं कोई भी पजल कहीं से भी उठा ली, नहीं ना, ना जब भी प्रैक्टिस करें सेम डे में सेम टाइप की पजल करें। फॉर एग्जांपल, सपोज आप फ्लोर की पजल लगा रहे हैं, तो फ्लोर की पजल लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 पजल आप लगाएं जिसमें 3 प्रीलिम्स की हों और 2 मेंस की हों। या आप फॉर एग्जाम्पल बॉक्स बेस्ड पजल लगा रहे हैं और बॉक्स बेस्ड पजल लगा रहे हैं तो सेम टाइप की पजल सेम डे में होनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक डेप्थ क्लियर होगी, क्लैरिटी आएगी, जो सेंटेंस उसमें रिपीट होते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना, तो उनकी समझ आपको क्लियर होगी, समझ क्लियर होगी भाई इन सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो उसके लिए अगर आपको अप्रोच, जैसे अप्रोच अगर आप लैक करते हैं तो अप्रोच आप समझो किसी भी टीचर से, जैसे मुझसे समझो, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ या बहुत सारे और भी एजुकेटर हैं, तो अप्रोच आपको समझनी चाहिए कि बॉक्स बेस्ड में अप्रोच क्या है, या फ्लोर फ्लैट में अप्रोच वो क्या है, उन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, या फ्लोर बेस्ड है तो उसकी अप्रोच क्या है। तो हर टाइप की जो पजल है उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऐड करनी है अपने अप्रोच में, जो आपको समझनी है, इंक्लूड करनी है। पहली चीज़, अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए। अप्रोच क्लियर करने के बाद अब बात आती है स्पीड की। अप्रोच आपकी क्लियर है, स्पीड अब टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा स्पीड के लिए क्या करेंगे, सेम डे में सेम टाइप की पजल की प्रैक्टिस करें। तो जो आप हिंट्स बनाते हैं, जो आप कनेक्टिंग सेंटेंसेस पढ़ते हैं, कनेक्टिंग सेंटेंसेस को पढ़ना है। एक होता है कि हम किसी सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ने के बाद हमारे समझ में आ रहा, और एक होता है कि हमने सेंटेंस पढ़ा और पढ़ते पढ़ते हमारे समझ में आ गया। तो स्पीड किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, जो एक बार पढ़ रहा है पढ़ते पढ़ते उसकी समझ में आ गया, तो अंडरस्टैंडिंग मैटर कर रही है ना। और एक होता है कि वो 3 बार पढ़ रहा है, 4 बार पढ़ रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है, अच्छा इस कंडीशन का मतलब ये है। तो वो गैप आपको ख़त्म करना है कि 3-4 बार जो पढ़ना पड़ रहा है ना, वो बस एक बार पढ़ने में ही आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो ये गैप ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप टीचर की हेल्प लें, फ्रेंड्स की हेल्प लें, क्लास की हेल्प लें, तो उन सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट अप्रोच है, अप्रोच आपको समझनी है। दूसरा पार्ट आपका हो गया कि आपको सेम डे में सेम टाइप की प्रैक्टिस करें। सब सेम टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सेंटेंसेस पे जो रीडिंग है ना, वो आपकी स्ट्रांग होगी, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी। मतलब आप जब सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आप मतलब वो फैमिलियर हो जाओगे उन सेंटेंस के रेस्पेक्ट में, फैमिलियर हो जाओगे, तो फटाक से आपके समझ में आने लगेगा, आप हिंट्स बनाने लगोगे, चीज़ों को रिलेट करने लगोगे। तो सेम डे में सेम टाइप की प्रैक्टिस आप करके देखिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। और उससे पहले ज़रूरी है कि मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड अप्रोच, कि हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू स्टार्ट, ये सारी बातों पे आप ध्यान दीजिए।
और सेम डे में सेम टाइप की प्रैक्टिस आप करिए, जिसमें प्रिलिम्स और मेंस दोनों टाइप की पजल्स को इंक्लूड करिए। शुरुआत में समय लगेगा, धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाएगा और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और जो हमारे बैंकिंग का अभी बैक टू बैक एग्ज़ाम है, तो ये समय है जहां आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और चीज़, मैं स्पेशल क्लासेस मेरी डेली चलती हैं, 12 बजे चलती हैं अनअकैडमी ऐप पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज भी हैं मेरे, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच।